अभी इनकी उम्र ही क्या है, ये आपसे कह रहे थे कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ छोड़ो सामा खाई फड्डा हो जाएगा। तो वहाब खान के बाद इस वक्त एक ऐसे आर्टिस्ट को पेश कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में मेरा भी और बहुत सौ का बड़ा फेवरेट है। उस नौजवान मेरे दोस्त की ये शुरू से नेचर रही है कि ऑब्जर्व करता रहता है, करेक्टर्स को देखता रहता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें क्रिएट करता है। उसकी बातें ज़रा तवज्जो से सुनेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। हमारे पाकिस्तान टेलीविजन स्टेज और रेडियो का बहुत अच्छा वन मैन शो का फनकार, आपको बहुत सारे कहकह लगाने पर मजबूर कर देगा, तमाम कदूरतें धो देगा और आपको रिफ्रेश कर देगा। ढेर सारी तालियां बुलाइए आयाब खान। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत खुशी है आज पहली बार मैं यहाँ मियामी में आप तमाम पाकिस्तानी भाइयों के दरमियान आपको बहुत कुछ सुनाने के लिए आया। वैसे तो लोगों को जो कुछ शादी के बाद सुनने को मिलता है ऐसा तो कुछ भी नहीं सुना रहा मैं आपको, लेकिन जो कुछ भी मैं आपको सुनाऊंगा उसके लिए थोड़ा सा जहन आपको लड़ाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन सारा समझना पड़ेगा। एक अनाउंसमेंट हुई, मोजिस खवातीन हजरात, ये खवातीन का आलमी साल है। इस आलमी साल के मौके पे हुकूमत ने खवातीन के लिए 1 अरब रखा है। तो पीछे से आवाज़ आई, हाय लव अरब कैसा है। हमारे यहाँ ये भी होता है कि जैसे कि कभी कभी प्रोग्राम होते हैं, एक प्रोग्राम हुआ उसमें एक रकासा आई, तो देखें एक बीन बजती है, उस बीन में जब घुंघरू बजते हैं तो उन घुंघरू की आवाज़ क्या है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। अनाउंसमेंट होती है, मौजूद खवातीन हजरात अब तशरीफ़ लाती हैं हमारे मुल्क की मायनाज फनकारा फरा दीबा। अब फरा दीबा आ रही हैं, जैसे कोई बकरी खुल गई। अब देखिए जब बीन बजती है तो उसमें देखें घुंघरू की आवाज़ क्या है। निजामगर प्रोग्राम एक दफ़ा हुआ, उसमें जैसे कि आपको पता है कि जावेद मियांदाद ने बड़े छक्के लगाए हैं, जिसमें एक छक्का जो उन्होंने शारजा में लगाया था वो बड़ा मशहूर हुआ। तो उनकी जावेद मियांदाद की आवाज़ उनको बुलाया गया निजामगर में, उनसे गुफ्तगू हुई। आज हमारे इस प्रोग्राम पे तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान के सुपर क्रिकेटर जावेद मियांदाद। हाँ जावेद मियांदाद, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। कि क्रिकेट ठीक ठाक चल रही है, हम लोग जीत रहे हैं। आप पिछले दिनों आपने जो छक्का लगाया था इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बड़ा मसला हो गया जब से हमने छक्का लगाया, लोग हमें छक्का छक्का कहते हार के हमारी मूछें। अच्छा आप ये बताइए आपके कितने बाल बच्चे हैं? बस एक बाल एक बच्चा। दरअसल हमें क्रिकेट से फुर्सत ही नहीं मिलती। आप लोगों को ये अच्छी तरह से पता है कि ज़्यादातर जोक्स जो हैं वो किन के बारे में बनते हैं। हालांकि बड़ी खुशी की बात है, इतने तमाम सिंधी सिंधी माण्हू भी आए, पंजाब जा भी आए, पर जो माण्हू जितना भी आने सब बनाए देते, तमाम सूबों से मुतालिक लोग हैं और सारी ज़ुबानें समझते हैं सिवाय फ्रेंच के, जैसे कि अतर भाई ने कहा था। तो वो हुआ ये कि एक सिख था, उसने किसी खास साहब से कहा, ओए महाराज तुम्हारी गाँव पर बड़ा एहसान है। ओए क्या बकवास करता है, तुम्हारा एहसान लेगा मैं काफर, इससे पहले मैं मर नहीं जाएगा। ओए मारा तुम्हारी काम पे बड़ा एहसान है। ओए क्या एहसान है, अगर हम नहीं होते तो सारे लतीफे तुम पे पड़ते। मैं एक साहब पहुंचे, वो जाके कहने लगे भाई जान है अलमारी की नहीं दी दी है।
उसने कहा हम सिखों को स्वादन नहीं देते। अच्छा मत दो, चलेगा ये शेव करके अपने आप को काफी चेंज किया, सूट वूट पहन यार मार कितने के लिया है। उसने कहा जी हम सिखों को स्वादन नहीं देते। फिर पहचान लिया, ओए मत दो। फिर चले गए, फिर आए वापस, फिर कुर्ता पजामा यार कितने के दिए। कहला जी हम सिखों को स्वादन नहीं देते। अच्छा फिर पहचान लिया, मत दो। और ये तो बता पहचानते किस तरह हो कि मैं सिख हूँ। भैया तू 3 दिन से फ्रिज को अलमारी कह रही है। और ये वाकया है कि लाहौर में एक बहुत ही बुढ़े आदमी कहीं बैठे थे, तो उन्हीं की उम्र के एक आदमी वहां से गुजरा। तो वो जो आदमी जब वहां से गुजरा तो उससे गुफ्तगू करा, की गल लेके थे चले आ। मैं नौकरी लबड़ जा रहे हैं। है नौकरी लबड़ जा रहे हैं। ओ नौकरी बुढ़ा आदमी, तेनू की नौकरी मिलेगी। हाँ जी मैं नौकरी लबड़ जा रहे हैं। कहला की कादे वास्ते नौकरी? कहले जी 2 वक्त की मैनू रोटी मिल जाएगी। अच्छा 2 वक्त की रोटी वास्ते तू नौकरी लभण जा रहा, तू इंज कर मैं तेन 2 वक्त की रोटी देंगा। अच्छा तू मैंने 2 वक्त की रोटी देगा, काम की होएगा? दाता दरबार जाई अपनी खां भी मेरे लिए।